जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद गृह मंत्री अमित शाह आज पहली बार राज्य के दौरे पर पहुंचेंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज होने के बीच अमित शाह के 3 दिनों के दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। आज श्रीनगर पहुंचने के बाद अमित शाह राजभवन में सुरक्षा पर करीब 4 घंटे तक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। ये बैठक उस वक्त हो रही है जब कश्मीर घाटी में अल्पसंख्यकों पर लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। इस बैठक में अर्धसैनिक बलों के डीजी और जम्मू कश्मीर पुलिस के बड़े अधिकारी शामिल होंगे। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ संवाद करेंगे। शाम को अमित शाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्रीनगर से शारजा के लिए सीधी उड़ान का उद्घाटन भी करेंगे। 3 दिन का अमित शाह का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। अमित शाह के श्रीनगर दौरे से पहले सिक्योरिटी बंदोबस्त यहां बहुत तगड़े कर दिए गए हैं। इंतजाम बहुत ही सख्त है। आप देख सकते हैं जगह जगह जम्मू कश्मीर के पुलिस के लोगों की तैनाती है, उनके साथ ही असिस्ट करने के लिए CRPF है और जो बाकी का सिक्योरिटी ग्रिड है जिसमें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जिसमें IB के लोग हैं, जिसमें एक्सटर्नल इंटेलिजेंस के लोग हैं, वो सब इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर में है, नज़र रखे हुए हैं जो हो रहा है बहुत जगहों पर। ये आप देख रहे हैं ट्रैफिक पुलिस जो है ये भी लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। उस तरफ जो गाड़ी आप देख रहे हैं गुनीत, मेरे वीजे आपको दिखाएंगे, जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं वो भी खड़ी हैं। तो जगह जगह चौक पे इस तरीके से तैयारी की गई है। इसके अलावा 25 एडिशनल कंपनीज पैरामिलिट्री की, मतलब करीब 2000 के करीब लोग सिर्फ श्रीनगर में डिप्लॉय किए गए हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट ऐसा बता रही है कि हो सकता है आतंकवादी होम मिनिस्टर के इस विजिट को डिसरप्ट करने की कोशिश करें। श्रीनगर में पिछले कुछ दिनों में लगातार आतंकवादी घटनाएं हुई है, सिविलियंस को मारा गया है, चाहे वो लेबरर्स हों, चाहे वो सिख या पंडित कम्युनिटी के लोग हों। तो ऐसी किसी घटना को रोकने के लिए भी सिक्योरिटी ग्रिड पूरी मुस्तैदी के साथ पेट्रोलिंग कर रहा है। CCTV कैमराज, फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के साथ उनको भी यहाँ पे लगाया गया है। CCTV कैमराज के जरिए आप देख सकते हैं वहाँ पे रिकग्नाइज करने की कोशिश हो रही है कि कौन से ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जो टेररिस्ट को किसी तरीके से मदद पहुँचा सकते हैं। तो ये भी एक स्टेप लिया गया है। साथ ही जम्मू एंड कश्मीर के जेलों में, बारामूला में जम्मू के जेलों में जो OGW ओवरग्राउंड वर्कर्स रखे गए हैं उनमें से 26 को दिल्ली के रास्ते आगरा भेजा जा रहा है, क्योंकि ऐसा मानना था कि जेल के अंदर रहकर भी वो अपना टेरर नेटवर्क ऑपरेट कर रहे थे। तो आर्टिकल 370 हटने के बाद अमित शाह पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पे हैं। 3 दिवसीय ये दौरा है। सुरक्षा के लिहाज से अमित शाह का ये टूर काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों में टारगेटिंग किलिंग जम्मू कश्मीर में देखने को मिली है, अल्पसंख्यकों पर आतंकियों ने लगातार अटैक किए हैं, उसको लेकर अमित शाह आज 3 दिवसीय दौरे पर श्रीनगर पहुंचने वाले हैं। करीब 1 बजे अमित शाह श्रीनगर पहुंच जाएंगे। इस दौरान उसके बाद वो राजभवन जाएंगे और सुरक्षा और विकास कार्यों की समीक्षा वहां पर की जाएगी। पिछले दिनों जिस तरह से आतंकी गतिविधियां श्रीनगर में तेज हुई हैं, इसको लेकर ये जो अमित शाह का दौरा है ये बेहद खास माना जा रहा है। सुरक्षा को लेकर क्या रणनीति लेकर अमित शाह श्रीनगर पहुंचे हैं ये भी अपने आप में देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों बिहार के लोगों पर, अल्पसंख्यकों पर लगातार आतंकियों ने एक के बाद एक अटैक किए, उनकी हत्या कर दी, सुरक्षा को लेकर, अल्पसंख्यकों को लेकर जिस तरह से वहां पर डर और भय का माहौल दिख रहा है, उसके बाद खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं। और इस दौरान ना सिर्फ सुरक्षा का वो जायजा लेंगे कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था श्रीनगर में कायम की गई है और क्या हो सकता है इसको लेकर और क्या कड़े कदम उठाए जा सकते हैं, इसको लेकर अहम बैठकों का दौर आज शुरू होने वाला है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी लाल चौक से। रिफत अब्दुल्ला मेरे साथ बने हुए हैं। रिफत, लगातार हम देख रहे हैं जब से अमित शाह के इस दौरे का ऐलान हुआ है तब से मैं देख रहा हूं श्रीनगर में बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है, माहौल काफी कूल हो गया है, लेकिन जो राजनीतिक हलके हैं या आतंकियों में सरगर्मी तेज हो गई होगी, क्योंकि अमित शाह वही शख्स हैं जिन्होंने आर्टिकल 370 हटने का ऐलान किया था।
देखिए रवि, जैसा कि आपको मालूम है, चाहे होम मिनिस्टर को आना हो या प्राइम मिनिस्टर को आना हो, सबकी नजरें उस टूर पे होती हैं और लगातार सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। और जब यहाँ पे शेड्यूल्ड विजिट था अमित शाह का, और उस सिलसिले में बहुत सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। और जिस तरीके से आपने कहा कि लगातार बारिश हो रही है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फ हो रही है, क्या कहीं फ्लाइट्स में बाधा तो नहीं पड़ेगी और कहीं फ्लाइट्स का शेड्यूल डिस्टर्ब तो नहीं होगा, ये कहना मुश्किल है अभी। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि शेड्यूल्ड मीटिंग जो है वो सिक्योरिटी का रिव्यू, जो ही वो यहाँ पे पहुँचेंगे उसके बाद राजभवन में जो है सिक्योरिटी का रिव्यू लिया जाएगा। जो सिक्योरिटी के आला अधिकारी हैं वो उस मीटिंग में शिरकत करेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी उस मीटिंग में होंगे। लेकिन उसके बाद जो है 4:45 बजे के करीब यूथ क्लब्स के साथ वो मीटिंग करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और 6 बजे के करीब जो यहाँ से शारजा आज फ्लाइट जाएगी, एक इंटरनेशनल फ्लाइट जो आज यहाँ श्रीनगर एयरपोर्ट से जाएगी, उसका वो उद्घाटन करेंगे। और उसके बाद कल वो जम्मू में उनका प्रोग्राम है और शायद 25 को फिर से श्रीनगर में उनका प्रोग्राम होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दौरा है। जिस तरीके से आपने कहा कि लगातार जो सिविलियन किलिंग्स हुई और उसमें बिहार के मजदूर भी शामिल हैं, यूपी का एक मजदूर भी शामिल है, और यहाँ के जिस तरीके से एमएल बिंद्रू हैं उसकी हत्या की गई, इस सिलसिले में सिक्योरिटी का जायजा बहुत जरूरी समझा जा रहा था और वो लिया जाएगा। हालांकि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम वैसे ही कश्मीर में किए गए हैं, जगह जगह पे नाके लगा दिए गए, इवन मोटरसाइकिल्स वगैरह काफी सारे सीज भी कर दिए। भारत सरकार और गृह मंत्री अमित शाह ये मैसेज देने की उन तमाम लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि आप कश्मीर में सुरक्षित हैं, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से अल्पसंख्यकों पर अटैक किए गए थे, बिहारियों पर अटैक किए गए थे, उसके बाद ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि भारत वहां मौजूद, चाहे वो कश्मीर के लोग हों या कश्मीर से बाहर के लोग हों, उनकी सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठा रही है। ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है इस टूर के जरिए। देखिए, जिस तरीके से जैसा मैंने कहा कि जिस टाइम पे वो आ रहे हैं, हालांकि पहले से ही शेड्यूल्ड विजिट था, लगातार यूनियन मिनिस्टर्स यहाँ पे आ रहे थे, लेकिन होम मिनिस्टर का कश्मीर विजिट हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है सिक्योरिटी के हवाले से। यही वजह है कि सिक्योरिटी का भी जायजा लिया जा रहा है। लेकिन जब ये हत्याएं हुई उसके बाद ज़्यादा अहम बन गया है होम मिनिस्टर का टूर। जैसा कि आपने कहा कि 370 और 35 से हटाए जाने के बाद होम मिनिस्टर यहाँ पे नहीं आए थे, तो यहाँ पे सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम वैसे ही किए गए हैं। उनके दौरे से पहले जगह जगह पे नाके लगा दिए गए, लगातार लोगों की तलाशियाँ ली जा रही हैं और काफ़ी सारी बाइक्स जो हैं वो भी सीज कर दी गई। हालांकि IGP का कहना है कि उसके साथ होम मिनिस्टर के विजिट के साथ उन चीज़ों का कुछ नहीं है, लेकिन ये समझा जा रहा है कि होम मिनिस्टर के विजिट के सिलसिले में ही सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और राजभवन वो पहुँच के बाद में सिक्योरिटी का जायजा लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कोई राजनीतिक तौर पे वो कोशिश करेंगे, किसी चीज़ का ऐलान करेंगे, हालांकि कुछ प्रोजेक्ट्स का वो फाउंडेशन स्टोन भी शायद रखेंगे। तो जम्मू में उनका एक बड़ा कार्यक्रम होगा, उसमें क्या कुछ वो बोलेंगे, पॉलिटिकल लिहाज से कितना अहम होगा, क्योंकि यहाँ सबकी नज़रें इस चीज़ पे भी हैं कि जो स्टेटहुड रेस्टोर करने की बात की जा रही है या इलेक्शन कब होंगे ये अभी मालूम नहीं है। लगातार गवर्नर्स रूल यहाँ पे है, जब 370 और 35 से नहीं हटाया गया, उससे पहले भी यहाँ पे गवर्नर्स रूल चल रहा था, जब BJP ने समर्थन वापस लिया PDP का, उसके बाद यहाँ पे गवर्नर्स रूल था, सत्यपाल मलिक यहाँ पे गवर्नर थे, लेकिन उसके बाद यहाँ पे जब UT डिक्लेयर की गई उसके बाद यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर तब से तैनात है। तो कब इलेक्शंस होंगे, क्या स्टेट हुड बहुत जल्द वापस दिया जाएगा, क्या यहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं उनसे वो मिलेंगे और उनको कोई आश्वासन देंगे स्टेट हुड रिटर्न करने की जो बात है, क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है कि स्टेट हुड जी साफ तौर से इस पर सबकी निगाहें बनी हुई है रिफत, कि क्या स्टेट हुड मिलेगा।